सो फाइनली अभी स्टेशन आ चुके हैं। पूरे स्टेशन का आप लोगों को थोड़ा बहुत टूर देते हैं, अभी अंदर चलते हैं। और आप देख सकते हैं 2 घंटा वेट करने के बाद फाइनली मेरी ट्रेन आ चुकी है। आप देख सकते हैं पीछे लगा हुआ है। फाइनली अपने प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। यहाँ से मेरी ट्रेन है 10 बजे, तो अभी वेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। प्लीज़ होटल को बाय करने का टाइम आ चुका है, तो सो चलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा धूप है, अभी स्टेशन यहाँ से जाने में करीब 10 मिनट लगेगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल का। अभी सुबह के 8 बज रहे और मैं होटल से चेकआउट कर रहा हूँ। 2 दिन काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, पूरी घूम लिया। और पूरी का ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था, इससे पहले मैं पूरी कभी नहीं आया। और अब देख सकते हैं पैकिंग वगैरह हो चुका है, पैकिंग एंड ऑल हो गया है। और सो अब निकलते हैं और चलते हैं इफ्को। ये है मेरा रूम जिसमें कि 2 दिन तक टाइम स्पेंड किए, और गर्मी भी लग रहा है बहुत। सो अभी चलते हैं। और यहाँ पे है ये उनका लिफ्ट जो कि बंद पड़ा है, ख़राब हो गया है, तो इस सीढ़ी से भी जाना पड़ेगा मुझे। बाइक करने का टाइम आ चुका है, तो सो चलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा धूप है, अभी स्टेशन यहाँ से जाने में करीब 10 मिनट लगेगा। पैदल भी जा सकते हैं, अगर ऑटो वगैरह मिल जाते तो फिर ऑटो से चले जाते हैं, क्योंकि अभी तो ऑटो कहीं दिख नहीं रही है। और पास में ही स्टेशन, बस 10 मिनट लगते हैं यहाँ से जाने में। सो फाइनली अभी स्टेशन आ चुके हैं। पूरे स्टेशन का आप लोगों को थोड़ा बहुत टूर देते हैं, अभी अंदर चलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ का क्राउड, ये टूरिस्ट प्लेस है तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहता है। फाइनली अपने प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। यहाँ से मेरी ट्रेन है 10 बजे, तो अभी वेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन आ जाती है उसके बाद फिर बैठते हैं। और आइसक्रीम खा ली अभी गाइस, तो गला भी पूरा फंस गया और सोया हुआ है अभी सही से नहीं, तो सुबह सुबह उठना पड़ गया, तो उससे थोड़ा मतलब आँख भी बहुत जल रहा है। और अभी प्लेटफॉर्म पे है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों को स्टेशन दिखाते हैं। मेरी ट्रेन खुल चुकी है और अब लोग कंटिन्यू बने रहिए। फाइनली अभी कटक स्टेशन पहुंच गए हैं और पारादीप का ट्रेन के ट्रेन एक ट्रेन चली गई पारादीप का, थोड़ा सा 10 मिनट और पहले आते तो वो पकड़ा जाती, तो अब ट्रेन डायरेक्ट 3 बजे। तो मेरे पास अभी 2 घंटा भी, 1 बजा है, 2 घंटा मेरे को भी वेट करना पड़ेगा। और बस में तो मैं जाता नहीं हूँ, क्योंकि बस में जाऊँगा तो मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगा, बस में मेरे को वोमिटिंग वगैरह होने लगता है,
तो ट्रेन में ही जाऊंगा, तो सो अभी वेट कर लेते 2 घंटा उसके बाद फिर। और आज का ब्लॉग तो भाई पता नहीं क्या बना नहीं बना, मुझे खुद नहीं पता है, बट ट्रैवल हो रहा है तो हालत ख़राब लग रहा है। आप देख सकते हैं शकल पे पूरा 12 बज चुका है, 1 बज रहा है लेकिन मेरा शकल पे 12 बज गया है। सो गाइज प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और जो जो हमारे चैनल पे नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये है कटक स्टेशन, आप देख सकते हैं। कटक स्टेशन कोई ख़ास नहीं है, नॉर्मल है, सबसे बेस्ट भुवनेश्वर का स्टेशन भाई। 2 घंटा वेट करने के बाद फाइनली मेरी ट्रेन आ चुकी है, आप देख सकते हैं पीछे लगा हुआ है, तो अभी खुलने का टाइम नहीं हुआ इसलिए हम यहीं पे बैठे हुए हैं। खुलेगा 3 बजे और अभी 20 मिनट्स पहले आ गए हैं ट्रेन, तो अभी चलते हैं सीट पर बैठते हैं। यहाँ पर तो बैठे बैठे पक गए 2 घंटा से बैठे हुए हैं, तो सर चलते हैं अभी सीट पर अपना। आगे ही बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मेरे को आगे उतरना है। देखते हैं आगे कोई अच्छा सा सीट। पारादीप जाएगी ना, पारादीप मैं पूछ इसलिए लिया क्योंकि इस ट्रेन का 2 भाग हो जाता है, आधा पार्ट पूरी चला जाता है और आधा पारादीप, तो सो देखते हैं कोई अच्छा सा सीट। यहीं पे बैठते हैं विंडो सीट के पास, बैठ चुके हैं अपने सीट पे। और ये लेवल ट्रेन है तो इसका टिकट भी लॉकआउट होता है, इसका कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो ऐसे ही अभी खाली है, अभी कोई आया नहीं क्योंकि खुलने का टाइम नहीं हुआ है, तो अच्छा सा विंडो सीट मिल गया मेरे को पहले, तो विंडो सीट पे बैठ गए। और अब मिलते हैं पारादीप पहुँच के आप लोगों से, तब तक के लिए 2 घंटा भी लगेगा जाने में, 2 घंटा आराम से सोते हैं, काफ़ी ज़्यादा नींद आ रहा है। फाइनली पहुँच चुके हैं और अब चलते हैं बस में बैठते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से इफ्को में। फाइनली बैठ चुके हैं बस में, काफ़ी ज़्यादा से थक गए हैं, सब देख सकते हैं चेहरा, पूरा चेहरे का लुक भी चला गया। सो गाइज फाइनली पहुंच चुके घर पे और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टा का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तब के लिए बाय।